लेते हैं, हम थोड़ा सा धो लेते हैं पानी में। अब हम प्याज को बारीक काट लेते हैं। ये हमारे प्याज गल गए हैं, हम अब कैरेट्स को थोड़ा पीस पीस में काट लेते हैं। मैंने तो हाथ पे ही काट लिया, आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप कट कर सकते हैं। देखिए मटर को मैंने इस तरह 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और एक हरी मिर्ची ली है, उसके साथ थोड़ा दरदरा पीस ले रही हूँ। देखिए मैंने ये 1-1 चम्मच फुल जो धनिया होता है वो लिया है, एकदम अखा धनिया, और 1 चम्मच सौंफ लिया है, और 1 चम्मच अखा जीरा लिया है। इन सबको मैं पाउडर कर लूँगी। कचौरियों का आटा बनाने के लिए देखिए मैंने 1 कप एकदम आटा लिया है और 1 कप मैदा लिया है, इक्वल क्वांटिटी में है। इसमें हम थोड़ा सा इसको मिला दे रहे हैं पहले तो आटा और मैदा को। इसमें मैं थोड़ा सा पिंच भर सोडा डाल रही हूँ और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, उसके साथ मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ थोड़े से, साथ ही में मैं इसमें थोड़ा सा तेल का मोइन 1 चम्मच दे रही हूँ। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले तो। इसका अब हम पानी डाल के डो लगा लेते हैं, थोड़ा सख्ती लगाएंगे ताकि हम इसकी कचौड़ियाँ बना सकें। देखिए कचौड़ियाँ बनाने के लिए मैं अब उसका फिलिंग रेडी कर रही हूँ। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसमें मैं सबसे पहले अदरक डाल रही हूँ और ये साथ में हम ये कटे हुए प्याज डाल रहे हैं। साथ में मैं ये गाजर भी डाल रही हूँ। Thank you.
इसमें थोड़ा सा हम नमक भी ऐड करते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च डालिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, और इसको अच्छी तरह थोड़ा सा भूनने लगे। प्याज और गाजर थोड़े से फ्राई हो गए हैं, इसमें अब हम ये दरदरी पिसी हुई मटर मिला दे दें। साथ में हमने ये जो मसाला बनाया था सौंफ जीरा और धनिए का वो डाल दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ में इसमें पिंच ऑफ थोड़ा सा एकदम गरम मसाला, दैट्स ऑल, इतना ही इसमें लगने वाला है। अगर आज हरा धनिया अवेलेबल नहीं है आप इसमें बहुत सारा हरा धनिया डाल सकते हैं, ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। देखिए कचौड़ियाँ एकदम रेडी हो गई है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैं तीनों को एक साथ बाहर कर दे रही हूँ, थोड़ा तेल अच्छे से निकल जाए। तो ये हमने इन कचौड़ियों को बाहर कर दिया, ये इस तरह प्लेट पे रखा है, ये भी रेडी हो गई है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट कचौड़ी रेडी है सर्व करने के लिए। आई होप यू ऑल लाइक दिस एंड